हाय गाइस, मैं हूं दिव्यांश श्रॉस। सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस फिटनेस बैंड की। जैसा कि मैंने आप सभी से कमिटमेंट किया था कि 7 दिन बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो आज हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा इस डिवाइस को यूज़ करने का मेरा। तो उसको शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम लोग का प्यार बना रहे और आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो सबसे पहले हम लोग अभी बात करते हैं इस डिवाइस के एप्लीकेशन और इसके फंक्शंस के बारे में कि क्या कुछ आपको डिवाइस में मिलता है, तो उस पर हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है पहले डिवाइस को कनेक्ट कर लेते, तो आपको एप्लीकेशन मिल जाती है डेडिकेटेड इनकी, जो कि आपको इनके जो मैनुअल है उस पर क्यू आर कोड मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल कर रखी है यहाँ पे। अब हम लोग सबसे पहले उसको कनेक्ट कर लेते हैं डिवाइस को। तो कनेक्ट करने के लिए आपको एप्लीकेशन में जाना होगा, एड डिवाइस करना होगा और यहाँ पर आपको जो है वॉच का जो फेस है उसको ऑन रखना होगा और GPS भी आपको ऑन रखना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाती है वॉच अपीयर हो जाएगी यहाँ पे एप्लीकेशन में। उसके बाद उसको बाइंड करना है और बस एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है सिंक्रोनाइजेशन शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं कि डिवाइस जो है आप सिंक कर रहा है, जो आपकी जो भी ट्रैकिंग हुई है डाटा की वो यहाँ पे आपको जो है सिंक करके आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा उन डाटा को। अब हम लोग बात करते हैं इसके फर्दर एप्लीकेशन में क्या कुछ आपको मिलता है, फीचर्स क्या हैं और किस तरीके से डिवाइस को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए सारे एप्लीकेशन में आपको चीज़ें मिल जाती है। जैसे कॉल अलर्ट आपको चाहिए तो आपको एप्लीकेशन में जाना होगा और इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कितनी देर बाद कॉल आने के आप यहाँ पे वाइब्रेशन चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेडेंटरी मोड है, जहाँ पे आप अगर कितने टाइम तक अगर आप लोग फ्री बैठे हैं या आप बॉडी को मूवमेंट नहीं हो रहा है, आप अगर आराम करें तो हमें सेट कर सकते हो। तो उस टाइम पे फिर आपको ये अलर्ट देता है कि आपको वर्कआउट करना है, आपको थोड़ा सा जो है मूव करना है आपकी बॉडी को। अलार्म वगैरह सेट कर सकते हैं आप यहाँ पे, आप देख सकते हैं अलार्म के लिए भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे। सो है सिस्टम नोटिफिकेशन अलर्ट आपको मिल जाता है। तो पर्टिकुलर एप्लीकेशंस आपको सपोर्ट मिल जाएंगे यहाँ पे, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, SMS, तो जो भी मेन एप्लीकेशन है उनका सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बात करें यहाँ पे हम लोग म्यूज़िक कंट्रोल की, तो म्यूज़िक कंट्रोल में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर एप्लीकेशन सिलेक्ट करना पड़ेगी जिसको भी आपको कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप जो है इस पर टिक को क्लिक कर दें। इसके अलावा कैमरा शटर आपको यहाँ पे मिलता है, तो आप जो है यहाँ पे कैमरा का ऐप यहाँ खुद का आपको देखने को मिलता है इनबिल्ट। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉच पे जो है आइकन आ चुका है, और जैसे आप क्लिक करेंगे आइकन को तो ये कैप्चर कर लेता है इमेज को। और आप दिखाता हूँ मैं आपको कि इमेज कैप्चर हो चुकी है, तो आप खोल के देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये इमेज नज़र आ जाएगी। तो आपको ये जो पर्टिकुलर फीचर है इसकी एप्लीकेशन में ही मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप चाहें कि आप अपने मेन कैमरा को इस वॉच से कैप्चर करें तो वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मैंने करके देखा, मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे कोई भी फोटो क्लिक नहीं हुआ। आप देख सकते हैं मैं फिर दोबारा ट्राई कर रहा हूँ, फिर भी क्लिक नहीं हो रहा है। तो ये जो है सिर्फ एप्लीकेशन में ही वर्क करेगा, और अगर आप अपने जो सॉफ्टवेयर जो मोबाइल का खुद का कैमरा है उसमें आप ट्राई करेंगे तो नहीं होगा। बात करें यहाँ पे हार्ट रेट सेंसर की, तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली और मैनुअली सेट कर सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो है सेंसर ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। वेग गेस्चर आपको मिलता है, मैंने ऑन कर रखा है, तो जैसे ही आप वॉच को ट्विस्ट करेंगे तो यहाँ पर डिवाइस में डिस्प्ले ऑन हो जाता है। थोड़ा सा लैगी है, आप देख सकते हैं ये, तो ये चीज़ भी आपको इसमें मिल जाती है। फंक्शंस अच्छे हैं यहाँ पर। इसके अलावा हम लोग मोर में मूव जाते हैं तो आपको यहाँ पर जो है एक्टिविटी सिलेक्शन मिल जाता है, जो कि फिटनेस बैंड में भी अवेलेबल है। जैसे वॉकिंग है, रनिंग है, साइकिलिंग है, हाइकिंग है, बैडमिंटन, फिटनेस, जो भी है यहाँ पर आप कर सकते हैं। और किसी किसी डिवाइस में आपको GPS की ज़रूरत पड़ेगी, तो GPS जो है यहाँ पर फ़ोन का GPS यूज़ होगा, क्योंकि डिवाइस जो कि स्मार्ट बैंड है उसमें GPS नहीं है। बात करें अदर फीचर की, तो यहाँ पे आपको डिवाइस की लैंग्वेज यहाँ पे 3 मिल जाती है, बेसिकली इंग्लिश, डच और फ्रांसिस लैंग्वेज यहाँ पे आपको अवेलेबल करी है। आप चेंज कर सकते हैं तीनों में से कोई सी भी चाहते हैं। तो एंटी थेफ्ट अलर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है इनकेस अगर वॉच थोड़ी डिस्टेंस में या रेंज से बाहर होती है, तो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा फ़ोन में। फाइंड माई फ़ोन आपको यहाँ पे मिलता है, यानी कि अगर इनकेस अगर आपका फ़ोन कहीं दूर पड़ा हुआ है, आप भूल गए हैं कहाँ रखा है आपने, तो आप जो डिवाइस में जाएंगे और आप ये बजाएंगे तो देखिए आप टच करेंगे जैसे ही फाइंड माय फोन में, तो यहाँ पे आपको जो फोन चलेगा। अगले फीचर की बात करें तो आपको टाइम फॉर्मेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर 12 आवर का प्रेफर करते हैं 24 का, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्टेप लेंथ आप यहाँ पे खुद की डाल सकते हो कि आप कितनी स्टेप लेंथ चलते हैं वॉक के टाइम पे या कितनी रनिंग के टाइम पर चलते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और एक्यूरेट डाटा मिल सके। तो आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं कि आपकी एक वॉक की कितनी लेंथ है। बात करें यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर की, तो यहाँ भी आप चीज़ें जो हैं आप सेट कर सकते हैं HR की, कि आपका क्या है। डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी मिलेगा आपको, ताकि आपको कोई भी अलर्ट ना मिले, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं आएगी। स्क्रीन ब्राइटनेस का आपको देखने को मिल जाता है, लेवल 5 तक यहाँ पे अवेलेबल है। लेवल 1 पे मैं सेट करके दिखाता हूँ आपको कि ब्राइटनेस कैसी मिलती है, तो ब्राइटनेस बहुत कम है यहाँ पे। अब लेवल 5 पे मैं सेट कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये आपको यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल का भी इसमें फंक्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद रिबूट भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी इशू आ रहा था आप एप्लीकेशन से रिबूट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यूजर मैनुअल भी जो है इसके एप्लीकेशन में प्रोवाइड है।
बात करते हैं हम लोग यहाँ पर डिवाइस के जो फंक्शंस हैं उसको हम लोग एक बार क्लोजर देखते हैं। तो अंदर की तरफ आप डिवाइस को जब देखोगे तो यहाँ पे मोर का ऑप्शन दिया हुआ है। मोर के ऑप्शन में जब जाएंगे तो आपको डू नॉट डिस्टर्ब का मोड जो है आपको सबसे पहले मोड देखने को मिलता है। आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो डीएनडी को, इवन आपको यहाँ पर टाइमर मिल जाएगा, उसके नीचे आपको कैमरा शटर मिलता है। उसके बाद आपको जो है फेस क्लॉक यानी कि जो आपके फेस होते हैं वो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इन लोगों ने आपको 5 तरह के जो है फेस क्लॉक प्रोवाइड करे हैं, डिफरेंट आपको दिखाता हूँ मैं, और आप इनमें से 5 में से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें डाल नहीं सकते हो फिलहाल, तो अभी ऐसा कुछ इसमें ऑप्शन है नहीं कि ऐसे दूसरे फेस क्लॉक डालें, हो सकता है फर्मवेयर अपडेट में चीज़ें आगे बदल जाएँ। तो देखिए मैंने ये सेट कर दिया, तो ऐसे आप यहाँ पे जो है 5 फेस क्लॉक में से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। अगर फीचर की बात करें तो आपको वेग गेस्चर को टर्न ऑन करने का, ऑफ़ करने का यहाँ भी फंक्शन मिल जाता है, एप्लीकेशन में भी है, यहाँ भी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको अलार्म सेट करने का फंक्शन भी मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है एक जो स्लिपिंग ट्रैक का, जो मैं आपको बता दें कि यहाँ पे स्लिप ट्रैक कर सकते हैं, तो ये फंक्शन आपको इसमें मिल जाएगा। और एक पावर ऑन ऑफ का बटन आपको यहाँ पे दिया हुआ है ताकि आप ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हो, और हार्ड ट्रैकिंग को ऑफ करना है तो वो भी आपको यहाँ मिल जाता है। तो गाइस इस तरह के फंक्शन आपको डिवाइस में देखने को मिलते हैं। तो गाइज़ आप लोगों ने यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस और फंक्शंस पे आपने एक नज़र डाल ली, आपको अंदाज़ा लग गया होगा किस तरह से ये वर्क करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस डिवाइस की फुल वर्डिक के बारे में, तो आपको 3 पॉइंट्स में चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं इसके बिल्ड और डिज़ाइन के बारे में। तो अगर बिल्ड की बात करूँ तो आपका यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड मिलता है और सिलिकॉन स्ट्रेप यहाँ पे प्रोवाइड किया है इस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ में, और दोनों की क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है। बात करूँ डिज़ाइन के बारे में तो डिज़ाइन कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ यूनिक नहीं है, नॉर्मल यूजुअल बैंड्स की तरह ही ये भी दिखते हैं। यहाँ पे कुछ अलग आपको देखने को नहीं मिलता है, बट हाँ एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे आपको जो फील है, लुक एंड फील, वो आपको अच्छा देखने को मिलता है बोट की तरफ से। तो सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ बात करते हैं इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में कि डिवाइस में आपको क्या अच्छा और क्या बुरा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हार्डवेयर बेसिस में यहाँ पे क्या चीजें कमजोर हैं, क्या चीजें बेहतर हैं। तो हार्डवेयर बेसिस अगर बात करूं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं इसकी सनलाइट विजिबिलिटी की। तो डिवाइस की ब्राइटनेस बहुत कम है, अगर आप बाहर आउटडोर में इसको यूज कर रहे हैं तो आपको ब्राइटनेस कम लगेगी। इवन आपको जो है कहीं ना कहीं हाथ का सपोर्ट लेना पड़ेगा आपको कुछ भी डिटेल्स डिवाइस पर देखना है, तो ब्राइटनेस यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं दिखने को मिलती है। अदर पॉइंट हम लोग यहाँ पे लेते हैं इसके डिस्प्ले क्वालिटी की। तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पे आपको डिसेंट देखने को मिलती है, पिक्सेलेटेड आपको देखने को मिलेगी अगर आप क्लोजली उसको देखेंगे। इवन यहाँ पे आपको जो उसका जो रिस्पॉन्स है डिस्प्ले का, वो भी कहीं ना कहीं लेगी आपको देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पे अदर पॉइंट की, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वेकअप गेस्चर, यानी कि आप अगर जैसे हैंड को ट्विस्ट करेंगे तो एकदम प्रॉम्प्टली आपको स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले अपीयर होता है। बात करें अदर फीचर की, तो आपको यहाँ पे हार्ट रेट सेंसर इन्होंने दिया है, बट हार्ट रेट सेंसर की अगर मैं बात करूँ तो वो इतना एक्यूरेट मुझे लगा नहीं, कभी बहुत ज़्यादा दिखा रहा था, कभी बहुत कम दिखा रहा था। तो मैं कह सकता हूँ कि 70-80% आपको यहाँ पे एक्यूरेसी देखने को मिलती है हार्ट रेट सेंसर में। अगले हम लोग यहाँ पे पॉइंट लेते हैं इसके फिटनेस ट्रैकिंग के बारे में। तो गाइज आपको यहाँ पे एक अच्छी चीज़ देखने को ये मिलती है कि इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट मोड्स अवेलेबल हैं, यानी जो भी अगर आप करना चाहें, साइकिलिंग का मोड आपको देखने को मिलता है, बास्केटबॉल वगैरह बहुत सारे आपको मोड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपने देखा भी प्रीवियसली। इस डिवाइस में गाइस आपको मोशन ट्रैकिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे फंक्शन जरूर अच्छे आपको मिलते हैं, बट मोशन ट्रैकिंग जो है बेसिकली वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती है, वो आपके मोशन पे वर्क करती है। और अगर मैं बात करूँ इसकी रीडिंग की, तो GPS ट्रैकिंग अगर इसमें अवेलेबल होती तो काफ़ी बेहतर आपको ट्रैकिंग मिलती है, क्योंकि GPS जो है बेसिकली आपको रियल टाइम ट्रैक करता है। तो उसका और जो मोशन ट्रैकिंग का जब कॉम्बिनेशन आपको मिलता है तो उसका सिंक आपको बेहतर डाटा प्रोवाइड करता है, बट मोशन ट्रैकिंग का जो यहाँ पर रिस्पॉन्स है यानी कि जो डाटा प्रोवाइड करता है वो इतना एक्यूरेट नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि 80-90% यहाँ पर आप इस पर रिलाई कर सकते हो। बात करूँ यहाँ पर अगले फीचर की, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलती है, वो है स्लिप ट्रैकिंग, जो कि बहुत से हाई एंड डिवाइसेस में अवेलेबल नहीं है पर इस मॉडल में अवेलेबल है, और मैं को यह चीज़ अच्छी लगी। बट यहाँ भी वही कमी यही है कि जो एक्यूरेसी है वो इतनी बेहतर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। गाइस हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है गाइस इसकी बैटरी, यानी कि आपको यहाँ पे 7 डेज का बैटरी बैकअप कंपनी ने क्लेम किया था अगर आप ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्टेड हैं, और अगर ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्टेड नहीं है तो आप 10 दिन तक यहाँ पे बैटरी बैकअप इस पर्टिकुलर डिवाइस में देखने को मिलेगा। बट जो एक्सपीरियंस रहा गाइस, ये 4.5 दिन में ही बंद हो गई थी, इसके बाद मुझे फिर से इसको चार्ज करना पड़ा। तो बैटरी बैकअप जो कंपनी ने क्लेम किया है वो इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे मैं आपको पहले से ही बता दूँ। तो अगले पॉइंट हम लोग बात करें इस डिवाइस के बारे में, तो यहाँ पे आपको कॉल अलर्ट और म्यूजिक कंट्रोल दोनों देखने को मिलता है, बट दोनों का ही परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्स टाइम उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि अगर आप पर्टिकुलर म्यूजिक
को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको पर्टिकुलर डिवाइस पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगी जो भी आपको कंट्रोल करना है। जैसे मैं पर्टिकुलर स्पॉटिफाई यूज़ करता हूँ तो मैंने उसको कंट्रोल करना है, तो आपको मैनुअली पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। बात करूँ मैं कॉल अलर्ट की, तो कॉल अलर्ट में डिले बहुत था, मतलब फ़ोन पर जो कॉल आता है और फिटनेस बैंड पर जब वाइब्रेशन आता है उसमें डिले आपको देखने को मिलेगा, और जैसे कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो ये डिले आ रहा था और ये चीज़ मुझे नॉर्मल नहीं लगी किसी तरीके से। बात करूँ हम लोग यहाँ पे इसके अगर सॉफ्टवेयर बेसिस पे बात करें हम लोग इस डिवाइस के बारे में, तो सॉफ्टवेयर बेसिस में यहाँ पे बहुत सारे ट्विक्स की ज़रूरत है। और अगर मैं एक जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे जो लगी वो है कनेक्टिविटी इशू। तो कनेक्टिविटी के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो गाइज आपको इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगी। आप डायरेक्ट सोचें कि मैं अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लूँ तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगी और उसके बाद ही आप कनेक्ट कर पाएंगे। पर कनेक्टिविटी में इतनी प्रॉब्लम आई, मतलब गलती से अगर आपने जो है ब्लूटूथ को टर्न ऑफ कर दिया या आप अगर उसकी रेंज से बाहर हो गए तो ये डिवाइस जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर आपको वापस से कनेक्ट करने के लिए इसकी एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा और फिर कनेक्ट करना पड़ेगा। इसमें एकदम वो सीमलेस कनेक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलती कि बस ब्लूटूथ ऑन है, डिवाइस ऑन है, फटाफट से कनेक्ट हो जाए। तो एज अ यूज़र अगर मैं बात करूँ तो मुझे तो एकदम प्रॉम्प्ट कनेक्टिविटी चाहिए, बट इस डिवाइस में वो आपको अवेलेबल नहीं है। तो सॉफ्टवेयर ग्राउंड पर यहाँ पर बहुत सारे ट्विक्स की बहुत ज़रूरत है। तो सॉफ्टवेयर पर तो खैर डिवाइस में यहाँ पर जो कंपनी है अपग्रेड कर सकती है, फर्मवेयर अपडेट दे सकती है फ्यूचर में, बट हार्डवेयर में यहाँ पे बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हार्डवेयर यहाँ पे मुझे बहुत कमजोर लगा इस डिवाइस का, बट ये कह सकता हूँ कि बोट ने एक इनिशिएटिव लिया है इस सेगमेंट में प्रोडक्ट लॉन्च करने का, और पहला प्रोडक्ट है उनका, तो मैं कह सकता हूँ कि ये पहला प्रोडक्ट का सक्सेसफुल नहीं है, बट आने वाले टाइम में बोट थोड़े अच्छे प्रोडक्ट लेकर आए, मैं ये उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ और क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए, बस ये हमारी दरख्वास्त रहेगी उनसे। होपफुली गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर कोई भी सवाल इसके अलावा अभी भी बाकी आपके मन में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप लोग जाके मुझसे वहाँ भी सवाल कर सकते हैं। तो इनके अगर आप इस डिवाइस फ्री भी चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप इसको वहां से चेकआउट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि अभी हम लोग को और बोट के आने वाले प्रोडक्ट के लिए वेट करना चाहिए, ये प्रोडक्ट मुझे उतना वर्थफुल नहीं लगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग साइन आउट करते हैं, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडियो रहेगा दौड़ी एक्सप्लोरर के साथ।